नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसके बाद में अगर किसी के मकान का नुकसान हो जाता है या फिर किसी अन्य तरीका का जान माल का नुकसान हो जाता है तो उसका मुआवजा लेने के लिए हम ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किन किन दस्तावेज की विशेष रूप से ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी तहसीलदार महोदय के नाम। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एप्लीकेशन का प्रारूप दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको नोट करके भी रख सकते हो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी तहसील होती है वो नाम लिख देना है। यहाँ पे देखिए, मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा राशि दिलवाने के संबंध में, और अगर कोई अन्य क्षति होती है तो आपको वो क्षतिपूर्ति यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, श्रीमान जी उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी वार्ड नंबर, उसके बाद प्रार्थी का पूरा एड्रेस आ जाता है, का रहने वाला एक गरीब व मजदूर पैसा व्यक्ति है, और यहाँ पे उनका एड्रेस डाल देना है। जिस दिनांक को भारी बारिश हुई है वो दिनांक यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदनकर्ता होता है, जो प्रार्थी होता है, उनके सिग्नेचर करवाने हैं। जो आवेदन करता है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जाति, उसके बाद उनका यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, तहसील यहाँ पे लिखनी है, जिला लिखना है, और उनका जो पिन कोड होता है वो पिन कोड डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। आवश्यक दस्तावेज, अटैच दस्तावेज के अंदर आपका सबसे पहले आ जाएगा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, उसके बाद आपका मकान का पट्टा, स्टाम्प, या फिर अगर आप डाणी में रहते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी आपको दस्तावेज यहाँ पे साथ में लगाना है। उसके अलावा भी आपके पास में नीचे लिख सकते हो 4 नंबर पे बैंक पासबुक वगैरह, जो भी आपके पास में दस्तावेज है वो सब दस्तावेज यहाँ पे लिख दीजिए कि क्या क्या दस्तावेज आपने साथ में अटैच किया है। उन सभी दस्तावेज की एक एक फोटोकॉपी निकालनी है। फोटोकॉपी निकालने के बाद में उन पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, और आपका जो मकान गिरा है उसकी आपको फोटो भी साथ में लगानी है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो। DMIS पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस प्रकार से आपको आपकी कोई सी भी एक SSID ओपन करनी है और सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा DMIS। जैसे ही आप DMIS सर्च करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आता है। यहाँ पे देखिए, मैंने सर्च कर लिया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का एक टैब देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मिल रहा है उसको आप स्किप कीजिए। स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अनुरोध, इसके अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है राहत सहायता अनुरोध, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो पहले आवेदन किए थे वो आवेदन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो, और मेरे आवेदन जो कलेक्टर अप्रूव भी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अप्रूव्ड कलेक्टर, यहाँ पे कलेक्टर के द्वारा ये अप्रूव भी हो गया, यानी कि इनका क्लेम भी आ गया है। अब आपको एड न्यू एंट्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एड न्यू एंट्री पर क्लिक करते हो तो उसके बाद यहाँ पूछता है क्या आपके पास जन आधार अभिकृति है, तो हमारे पास में जन आधार कार्ड है, हम हाँ करते हैं। उसके बाद जन आधार ID के साथ में आगे बढ़ने के लिए बोलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी जन आधार कार्ड नंबर होता है वो डालना है। जन आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आगे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस सदस्य के नाम आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो उस सदस्य का नाम। उससे पहले ये कन्फर्म कर लीजिए कि जिस सदस्य के नाम आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो उनके जन आधार कार्ड में बैंक पासबुक लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा हुआ तो आपको जन आधार कार्ड में बैंक पासबुक लगाना है। यहाँ पे हमें आपको प्राप्त करना है विवरण प्राप्त करने पे जैसे क्लिक करते हो जन आधार कार्ड में जितने सदस्य होते हैं उन सभी की डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद उस सदस्य को सेलेक्ट करना है जिसके नाम से हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म खुल जाता है। चलिए मैं आपको ये फॉर्म भरने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपदा का नाम आपको डालना होगा कि आपदा क्या, हिम संकलन हुआ है, क्लाउड हुआ है, शीतलहर चली है, चक्रवात हुआ है, सूखा, भूकंप, आग लगी है, बाढ़ आई है। तो अगर मान लीजिए आपको बारिश के पानी के कारण अगर कोई नुकसान हुआ है तो बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हुई है, हम बाढ़ सेलेक्ट करते हैं। स्कीम यहाँ पे देखिए, अनुग्रह सहायता, पशु क्षति, आवासीय क्षति, बिजली, आकाशीय बिजली, तो आपकी जो भी क्षति हुई है मेरी आवासीय क्षति की हुई है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। स्कीम की कैटेगरी क्या है, तो घर से जुड़ा हुआ, पशु शेड है, आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान है, क्षतिग्रस्त नष्ट हुई झोंपड़ियाँ हैं, यहाँ पे देखिए गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान है, तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपकी जो भी होती है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करते जाइए। उसके बाद मात्रा कितना परसेंट आपके मकान का नुकसान हुआ है वो यहाँ पे आप कितना वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको सहायता राशि यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितनी आपको मिल सकती है, ये अनुमानित राशि होती है। उसके बाद जिस तारीख को आपदा आई थी वो तारीख यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। प्राकृतिक आपदा का विवरण क्या था,
जैसे भारी बारिश हुई थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे भारी बारिश। आपदा का क्षेत्र कौन सा है, तो जो भी आपदा का क्षेत्र यानी कि आपकी तहसील का या फिर आपके गांव का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद में प्रार्थी जो आवेदनकर्ता होता है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म दिनांक, उसकी आयु, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, खाता नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कौन सी है, वो सब डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रार्थी का पता के अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा, सबसे पहले आपकी तहसील, उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो पंचायत समिति लगती है वो सेलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैं एज ए डेमो ग्रुप में आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। उसके बाद आपका एड्रेस डाल देना है, वार्ड नंबर वगैरह, उसके बाद आपके चक का नाम डाल देना है। आपका वर्तमान पता और आपदा का क्षेत्र सेम है तो हम यहाँ पे सेम पे ही क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये आवेदन किन के पास में फॉरवर्ड हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आवेदन अग्रेसित हो रहा है मेरा पटवारी को, और यहाँ पे पटवार नाम क्या है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको अनुरोध करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे पहले आप एक बात कंफर्म कर लीजिए अनुरोध करें वाले ऑप्शन में ऑनलाइन करने से पहले कि आपने दस्तावेज आपके अपलोड किए हैं या फिर नहीं किए, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे अपलोड दस्तावेज अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको एक बार आपके ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करनी है, उसके बाद में आपको इसको दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे ही आप दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जो दस्तावेज और जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी उन सभी की एक सिंगल PDF बना करके और यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो इस प्रकार से आप DMIS पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। प्राकृतिक आपदा आने से कोई भी नुकसान होता है तो उसके पुनः भ्रमण के लिए आप इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। प्राकृतिक आपदा से जो भी क्षति होती है उसके लिए आप यहाँ से क्लेम ले सकते हो। इससे आपको एक राहत राशि जो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसी प्रकार की नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी भी दूंगा। जानकारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार इस वीडियो का स्टेटस जरूर लगाना, क्योंकि जिनकी भी हानि हुई है उनको ज़्यादा ना तो आर्थिक थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है या फिर ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका कुछ ना कुछ पुनर्भ्रमण उनको मिल जाए, कुछ ना कुछ उनको सहायता राशि मिल जाए ताकि उनका जीवन यापन है जो अच्छा हो जाए। एक अच्छे सच्चे नागरिक के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।